सुबह 4:30 बजे जो है वो केरला में कोची एयरपोर्ट पे हम पहुँचे, तो तभी से जो है वो प्रोटेस्टर्स बाहर खड़े थे, वो आंदोलन कर रहे थे। उसके बाद जो है वो वहाँ से बाहर जाने के लिए हमने टैक्सी 2-3 बार बुक की, लेकिन उस टैक्सी लोगों को जो वहाँ के जो ड्राइवर थे उनको धमकाया गया है कि अगर तृप्ति देसाई और टीम को अगर आप गाड़ी देंगे तो आपकी गाड़ी फोड़ेंगे या फिर इन महिलाओं के ऊपर हम अटैक करेंगे, इसलिए कोई भी टैक्सी नहीं दे रहा था। और तभी उसके बाद जो है वो बहुत सारे प्रोटेस्टर्स आए, लॉ एंड ऑर्डर का इशू हुआ और पुलिस ने कहा है कि हम बाहर जो है वो एयरपोर्ट के नहीं निकल सकते हैं, प्रोटेस्ट जब कम होगा तभी हम बाहर निकालेंगे। पुलिस ने पूरी कोशिश भी की दूसरे और एक गेट से हमें निकालने की गाड़ी में से, लेकिन वहाँ पे भी प्रोटेस्टर थे और वो डायरेक्ट अटैक करने आए, तो फिर से हमें एयरपोर्ट के अंदर ही रुकाया है। और उनका कहना है कि बाहर अगर हम वहाँ पे गए तो हमें इंजुरी हो सकती है, हमारे ऊपर अटैक हो सकता है, लेकिन मुझे ये कहना है कि हमारा प्रवेश जो है शबरीमला मंदिर में था, हम तो केरला में अभी कोची एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं, मतलब प्रोटेस्टर हमसे डर रहे हैं कि हम अगर नीलक्कल तक पहुँचे तो वहाँ से हम प्रवेश करके ही रहेंगे, या उनको ऐसा लग रहा है कि इनको अगर यहाँ पे ही रोकेंगे तो ये महिलाएं बाहर ही जो है वो डर से नहीं आएंगी। तो प्रोटेस्टर्स को हम यहाँ से अपील करते हैं कि आप शांततापूर्ण आंदोलन कीजिए, हम तो रिटर्न जाने वाले नहीं है, कल सुबह शबरीमाला मंदिर में प्रवेश के लिए जाएंगे, पुलिस को हमने इन्फॉर्म किया है, आज कहाँ स्टे करना है उसकी व्यवस्था जो है वो पुलिस को हमने कही है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो बाहर है वो कम होने के बाद ही जो है वो व्यवस्था हो सकती है, लेकिन शबरीमाला मंदिर में कल जो है वो हम वहाँ पे दर्शन के लिए आने वाले हैं। और सरकार को यही हमें कहना है कि जब तक हमारा दर्शन वहाँ पे नहीं होता है तब तक हम जो है वो महाराष्ट्र में जाने वाले नहीं हैं। अभी तो यहाँ पे आप एयरपोर्ट पे देखेंगे तो हमें खाने की सुविधा नहीं है, यहाँ पे कुछ भी जो है वो बाकी की सुविधा नहीं है, हमें यहाँ पे बिठाया गया है, तो अभी घर से जो हमने कुछ थोड़ा बहुत खाना लाया था वो भी यहाँ पे बैठकर जो है वो खाया है, तो ये गलत है। एयरपोर्ट पर रुकाना, गुंडागिरी करना, दादागिरी करना, मतलब महिलाओं को अगर अधिकार मिला है, हम भी उनकी बहन है, हम भी भगवान के भक्त हैं, हमें अगर वहाँ पे दर्शन के लिए जाना है तो ऐसे तरीके से रोकना, ये तरीका उनका बिल्कुल गलत है, हम इसका निषेध करते हैं।